मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार अपने दूसरे महीने में ही है, लेकिन उसके लिए खतरे की घंटी बज उठी है। कांग्रेस की सरकार को यहां समर्थन दे रही बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के एक बयान से उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। मायावती ने रविवार को कहा कि नवगठित सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी के सत्ता से जाने से राहत की सांस महसूस कर रही थी, लेकिन इसके बाद बनी नई सरकार भी लोगों का शोषण ही कर रही है। मायावती के इस बयान को आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर दबाव बनाने के प्रयास से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बीएसपी ने कमलनाथ सरकार को धमकी दी है। पथरिया सीट से बीएसपी विधायक रामबाई अहिरवार ने पिछले महीने कांग्रेस को इशारों इशारों में चेतावनी दी थी कि यदि उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाता तो मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक जैसा सियासी संकट खड़ा हो सकता है। बता दें कि नवंबर 2018 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के नतीजों में कांग्रेस 114 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं बीजेपी के खाते में 109 सीटें आई थी। तब बहुमत से दूर कांग्रेस को बीएसपी के 2, समाजवादी पार्टी के 1 और 4 निर्दलीय विधायकों ने सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन दिया था। फिलहाल देखना होगा कि मायावती की चेतावनी के बाद कांग्रेस और कमलनाथ क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।